सो वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा और एक मेरे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नेचर एक्वेरियम के बारे में, मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट टू द एक्सटेंड एंड बियॉन्ड। ओके, सो ये है, इसका नाम है अ पगोडा टेल। ठीक है, अ टेल लाइक, तो इसमें अभी आपने अगर मुंबई का पगोड़ा देखा होगा, बोरीवली वाला, तो उसमें कैसा है ना, उसमें रात को ये पूरा मतलब पगोड़ा बाहर से ब्राइट चमकता रहता है। ठीक है, वो आपने देखा होगा। तो इसमें ऐसे ही मैंने बताया गया है कि मतलब यहाँ से अगर ऐसे हम देखें तो यहाँ से ऐसे बाहर रेस दिखाई गई है लाइक ब्राइटिंग। ठीक है, यहाँ से एक अपना ड्रैगन फेस दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ से अगर हम दूर देखें से देखें तो यहाँ से एक ऐसा लायन दिखेगा आपको, लाइन फेस लाइक वो जो सत्यमेव जयते वाला जो आता है वो। ठीक है, और यहाँ से एक भी एक फेस दिखता है अगर ये एंगल से देखेंगे तो, यहाँ से भी एक ऐसा फेस दिख रहा है कि लाइक डेविल टाइप या जो भी है फॉर स्माइलिंग करके, लाइक एक बॉय है स्माइलिंग विद लॉन्ग हेयर टाइप। ठीक है, तो ऐसे दिखाया गया है। तो ये मतलब कैसा है ना, ये इसके बाद मैंने बनाया था लाइक मैंने पगोडा विज़िट किया था रिसेंटली, मतलब जब भी इसका किया था, जब ये वर्क हुआ था तभी मैंने इसके पहले पगोडा विज़िट किया था। तो उसमें कैसा हुआ था कि जब भी पगोडा का, जब भी सपोज़ ये टेंपल है, ठीक है, उसके राइट हैंड साइड यहाँ पे एक मतलब ऐसा किसी के रहने के लिए लाइक फुकिंग एंड क्वीन के लिए मतलब फैमिली के लिए वहाँ पे एक घर जैसा था। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे ऐसा नेक्स्ट डे नाइट को मतलब ऐसा ड्रीम आया था कि कैसा होता है कि उसमें जो मतलब राजा क्वीन किंग किंग क्वीन और उसका मतलब छोटा बच्चा, वैसा मतलब राजा के घर पे एक छोटा बच्चा पैदा होता है। तो बाद में वो बच्चा हर रात को मतलब थोड़ा बड़ा होता है तो हर रात को बाहर जाता है। ठीक है, तो उसको वहाँ पे ड्रैगन मिलता है इनविजिबल टाइप, कि वो ड्रैगन इनविजिबल भी हो जाता है। तो वो ड्रैगन उसको हर रात को मतलब आकाश में उस पर बिठा के आकाश में शेयर कराता है उसको। ठीक है, और बाद में वापस से उसको छोड़ देता है। तो वो मतलब वो ड्रैगन ऐसा पंख वाला नहीं, ऐसा जो आता है ड्रैगन ऐसा 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 उड़ता है, वो वाला ड्रैगन था। तो बाद में एक दिन उसकी माँ उसको मतलब ये देख लेती है कि इसका जा रहा है, तो उसको पूछती है, तो उसको बताता है कि ऐसा है। तो उसको बोलता है कि ड्रैगन को बोल के चले जा करके। तो उस दिन मतलब जाता है और मतलब ऐसा बोलता है कि ड्रैगन को चले जा, मगर ड्रैगन बाद में वापस से क्या होता है कि उस रात को बाद में वो उसके किंग के घर पे उसका जो सिक्योरिटी रहती है वो दगा दे के उस पर अटैक कर देती है फॉर प्रॉपर्टी एंड ऑल, और उसका पूरा किलिंग वगैरह मतलब जो भी फाइट वगैरह होता है, ठीक है, उसका इस साइड दूसरे साइड मतलब किया गया है कि लाइक ये जो इस साइड से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा उसको रिप्रेजेंट करता हुआ, यहाँ पे भी आपको फेस वगैरह दिखेगा लाइक सोल जो बोल सकते हो। ठीक है, कि वो फाइट हो रहा है सब बिग में देखेंगे तो दूर से कि जो बुरी मतलब इसका कैसे हुआ, ठीक है, किसने कराया वैसा देख सकते हैं। ठीक है, फाइट के हिसाब से तो ये उसका मतलब है टेल। ठीक है, यहाँ पे साइड से भी लाइक कि वो वहाँ से आते हैं और बाद में कैसे फाइट होता है, कैसे राजा रानी ये मर जाते हैं और बच्चा बच जाता है। ठीक है, तो बच्चे के बाद में वो लोग भेज देते बोट से, मतलब बच्चा भाग जाता है, सब लोग मतलब मिले हुए रहते हैं। ठीक है, कि उसको बोलते इधर जा उधर जा इधर जा, मतलब कुछ सिक्योरिटी तो पूरा हड़पने के लिए जगह और प्रॉपर्टी वगैरह। ठीक है, तो उसका एक है ये नजराना। और बाद में ड्रैगन जब भी दूसरे दिन आता है तो ड्रैगन भड़क जाता है, तभी उसको अगर मतलब दूसरे एनिमल से पता चलता है कि क्या हुआ करके, तो इसलिए ड्रैगन इज स्क्रीमिंग करके, और वहाँ पे मतलब वो बच्चा बड़ा हो जाता है ऐसे लंबे बाल वाले फेस ऐसा हो जाता है।
ठीक है, और ड्रैगन उसका साथ बाद में कभी नहीं छोड़ता, लाइक इनविजिबली उसके अराउंड रहता है, ठीक है, और सभी सब कुछ कंट्रोल करता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट हिम। तो ये था अ ड्रैगन, ड्रैगन टेल और अ पगोडा टेल, ठीक है, ड्रैगन, ड्रैगन लव, ठीक है, तो पगोडा टेल के बारे में। और ये जो ब्लैक मिरर है, मतलब ऐसा जब भी ब्लैक हिस्ट्री अराउंड द पगोडा वो दिखाता है, और दूसरा ये भी दिखाता है कि मतलब अपने यहाँ पे जब भी नाइट को पगोडा ब्राइट होता है, चमकता है, तो वो भी उस हिसाब से भी इसको रिप्रेजेंट किया गया है इसमें, ठीक है। और अंदर अपना यहाँ पे एक जो मेरे फोर मॉन्क है उसमें से एक ये मोस वाला ही टैंक है, मगर उसका मैंने आपको कभी बाहर से मतलब उसको दिखाया नहीं, तो अभी आज दिखा रहा हूँ आपको, रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ प्रेजेंटेशन। तो ये था अपना पगोड़ा ड्रैगन टेल में सत्य में जयते के साथ, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको कुछ, ये भी ऑन द स्पॉट ही हुआ था, लाइक ऑन द स्पॉट ऑन वन गो जब ये बनाया था, ठीक है, मैंने तो पूरा जब भी है तो पूरा ऑन द स्पॉट वन गो में किया गया था। तो इसमें भी हल्दी और जो विभूति है उस एशियन पेंट में मिक्स करके बनाया हुआ है पूरा जो भी है, ठीक है। और ये वाला गोल्डन वाला अभी न्यू है कलर, ठीक है। तो यही था। और इसमें अगर आप इस यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी बीच में अगर आपको ऐसा फेस दिखेगा, इधर दो आईज और ऐसा कुछ फेस टाइप दिखता है यहाँ पे भी, ठीक है। तो देखिए, और साइड में भी जो ब्राइटिंग स्टार ब्राइट से उसमें भी आपको अलग अलग चीज़ देखने मिल सकती है, लाइक मैं बोलता हूँ जैसे कि आप स्टार्ट मतलब हर बंदे को अपना एक अलग नज़रिए से दिखता है, ठीक है। और ऐसा दूर से देखेंगे हम यहाँ पे तो जो ऐसा दो आईज दिखे और बीच में नोज़ और ये अपना फेंग शुई का वो जो आता है, ठीक है, वो इसमें ऐसा दिखता है, ठीक है, पिक्चू टाइप ऐसा दूर से अगर देखेंगे तो, लाइक टू प्रोटेक्ट लाइक फ्रॉम नेगेटिव, मतलब उसको नेगेटिविटी को डराने के लिए भी एक ऐसा चीज है ना फेस की, उसको देख के कोई भी डर जाए वैसा, इसलिए ये ऐसा दूर से ऐसा दिखता है, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो में आपको सबको बताने वाले के लिए। और दूसरा अगर, हाँ दूसरा मुझे ये कंटेस्ट के बारे में भी आप सबको एक चीज़ बताने ज़रूरी समझी है मैंने, कि मतलब वो जो मैं कंटेस्टिंग के बारे में आपको बता रहा था, तो उसका रैंकिंग का अगर बात करें तो उसका रैंकिंग मतलब अभी भी उन्होंने मतलब नॉट रैंक्ड में डाला हुआ है, मगर उसका जो सीरियल नंबर है वो 127 सीरियल नंबर है। और जो इस साल का जो उन लोग का जो कंटेस्ट का जो विनर है, ठीक है, वो लास्ट ईयर में मतलब कैसा होता है ना, इंटरनेशनल का एक कंटेस्ट होता है प्लांट लेआउट का, और एक बाद में इंडियन का होता है, ठीक है। तो उसमें भी मतलब वो लोग भी पता नहीं शायद से न्यूमरोलॉजी या कुछ फॉलो करते हैं, उस हिसाब से मतलब रैंक देते हैं वो कुछ, मतलब बहुत ही अटपटा रैंकिंग होता है उन लोग का स्टाइल, और उन लोग को भी पता चलता है क्या है क्या नहीं करके। हाँ तो मुझे ये बात करनी थी कि उसमें जो पिक्स जो यूज़ किए हुए फर्स्ट और सेकंड वाले रैंकिंग का भी द ग्रेट इंडियन एक्वास्केपिंग कंटेस्ट में, तो उन्होंने सेम पिक डाले हुए हैं, लाइक जो ILPC में मतलब इंटरनेशनल एक्वाटिक प्लांट लेआउट में लास्ट ईयर जो उन लोग ने वहाँ पे एंट्रीज डाली थी सेम पिक्स की, लाइक सेम डिटो, मतलब पूरा सेम टू सेम फ़ोटो वहाँ पे है, मतलब उन लोग ने फ़ोटो भी मतलब वापस से क्लिक करने की ज़रूरत नहीं समझी, और ऐसे ही वही फ़ोटो उठा के यहाँ पे डाल दिया है, जिसमें यहाँ पे जिसमें फर्स्ट रैंक जिसका आया हुआ दिया हुआ है उसको वहाँ पे 127th रैंक था, ठीक है, सेम फ़ोटो में, और जिसका सेकंड नंबर दिया गया है उसको वहाँ पे 36th रैंक था सेम फ़ोटो, मतलब A to Z पूरा आप देखोगे ना ऐसे बाजू में रख के, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों सेम बोल रहा हूँ, क्योंकि डिट्टो सेम है, लाइक कुछ ऐसा नया न्यू फ़ोटो निकाल के डालते हैं टैंक का तो कुछ अलग बात हो जाती थी, मगर क्योंकि मैं न्यू फ़ोटो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उसमें जो इंटरनेशनल प्लांट लेआउट कॉन्टेस्ट में अगर देखेंगे तो उसमें कैसा है ना कि उसमें उन लोग ने लिखा हुआ है कि दिस ऑल पिक्चर्स बिलोंग्स टू द ADA अमानो करके ऐसा, ठीक है।
तो मतलब उन लोग का जो पिक्चर रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब वो पिक्चर वहाँ के लिए ये हो गया, उन लोग का रजिस्टर्ड हो गया, मतलब इन द सेंस अगर ऐसा देखा जाए तो मतलब का अगर कंटेस्ट प्राइस में अगर इन लोग को जिताया है दोनों को, तो मतलब उन दोनों को ऐसा एक नज़र ऐसे से दिखे तो प्राइज मनी लेने के हिसाब से मतलब वो ही दिखाने के लिए भी जिताया होगा कि देखो तुम्हारा ध्यान ही किधर है, कि जो बंदे का वहाँ पे 36 आया है उसको यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, उसका जब बंदे का जिस बंदे का वहाँ पे 36 आया है उसको यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है, और जिस बंदे का वहाँ पे 127 आया है उसको यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी नज़र से देखा जाए तो उनका ये जो है उसमें अपन कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है, मगर अपन सिर्फ इतना बोल रहे कि उन लोग ने सेम फ़ोटो डाला है, जो सेम फ़ोटो का कॉपीराइट अगर उसमें डालने के बाद उनका कॉपीराइट हो जाता है, मतलब उनको उन्होंने अपने आप को ही जिताया ऐसा बोल सकते हैं कि उनका ही फ़ोटो में कॉपीराइट हो गया करके। तो दूसरा ये बताने का था कि हाँ कि अगर दूसरे नज़र से मैं देखता हूँ तो कैसा मैंने देखा कि अगर सपोज़ कि अगर 127 वाला उनका जो था उसको अभी फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो इफ़ ए इज़ उसमें 127, बी इज़ नाउ फर्स्ट, और सी मैं जो हूँ अभी यहाँ पे इसके सीरियल नंबर में 127 पे, तो इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी, ठीक है, तो सी इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू सी हो जाता है ना, मतलब मैं ही फर्स्ट ऐसा बोल सकते हैं लाइक ये कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है। तो यही बताना था आप सबको, तो मतलब इन्फॉर्मेशन देना था, ठीक है, कि कैसा हो रहा है। और उन लोग का भी अलग ही एक मतलब तरीका रहता है, मैंने देखा है कि मतलब कुछ तो देखते हैं वो लोग, या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी अलग अलग का देते हैं रैंक, ठीक है। तो यही बताना था आप सबको इस वीडियो में भी, और ये जो है हमारा पगोड़ा टेल, मेरा न्यू एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्ट टू द बियॉन्ड एन एक्सटेंट, टू द अबाउ बियॉन्ड एन एक्सटेंट, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो, और ऐसा अगर आपको वीडियोस देखना है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर करने में मदद कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, उससे मतलब चैनल को सपोर्ट करने में मदद मिलती है, जिस चैनल को ग्रो करने में मदद मिलती है, ठीक है। और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप एक ऑर्डर करते रहिए लाइक एक वास्केपिंग का अगर आपको ऑर्डर करना है, या फिर या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वगैरह कुछ बनाना है तो ऑन द स्पॉट, तो उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ऑन द स्पॉट एक जो भी अवेलेबल मटेरियल रहता है उससे तुरंत ही स्केप कर देता हूँ, ठीक है। और अभी ऐसा कुछ अगर आपको कराना है तो आप मुझे मतलब एक्वा स्केपिंग के लिए भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9892822823, ठीक है, और कॉलिंग व्हाट्सएप के लिए सबके लिए, गूगल पे सबके लिए एक ही नंबर है, ठीक है मेरा, और फेसबुक पे मतलब जो भी सोशल मीडिया हैंडल है वो है मेरा @OmParmarVishal, यूट्यूब का चैनल का नाम भी वो है और उसका हैंडल का नेम भी वही है, और यूट्यूब में जो लोकेशन डाला गया है वो ही मेरा करंट एड्रेस लोकेशन है, ठीक है, और उसमें ही अपलोड करता हूँ, तो मैं दूसरी जगह पर रहता हूँ तो भी मैं उसका मतलब लोकेशन ये डाल देता हूँ क्योंकि एज अ करेंट एड्रेस टाइप दिखाने के लिए। और अगर आप गूगल में अगर @OmParmarVishal ब्रैकेट में विशाल विदाउट आई ब्रैकेट में फ्री स्टाइल आर्टिस्ट डाल के गूगल करेंगे तो आपको मेरा सभी मतलब A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लाइक गूगल के इसमें भी मैंने फ़ोटोज़ एंड वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, मार्केटिंग वीडियोस भी वगैरह मैं बनाता हूँ, मेरा जो कंटेंट रहता है वो भी मैं ही लिखता हूँ, ठीक है। तो A to Z जो वर्क होता है, वीडियो शूट होता है, अपलोड करना, वीडियो का कंटेंट लिखना, उसको अलग अलग जगह पे पोस्ट करना, ठीक है, तो और ये जाके काम करना इसका, वो भी मैं ही सब करता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी हो तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियोस, और क्या बताना था, हाँ, और जय माता दी, लेट्स रॉक, और बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है, और
जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय जय गरवी गुजरात, जय तेलंगाना, जय बेंगलोर, बेंगलोर एंड जय मुंबई, और हाँ जय माता दी, लेट्स रॉक, और हर 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 महादेव, एस एस साई राम, एंड सी यू सून, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू एंड सी यू सून, ऑर्डर करते रहिए, थैंक यू साई राम।